शांत भुजगशयनम पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदेश मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीका कमलनयन योगी ध्यान गम्यम वंदे वेष्णो भव वंदेष्णो भवहर सर्वलोकनाथ नाथम साथियों नमस्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत जान सुधा कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं उम्मीद है आप लोग यहां से बहुत कुछ सीख रहे होंगे विद्यार्थियों मैंने आगे भी कहा कि ये जो चैनल है इसमें अपने अपने विषय के जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी नियमित कक्षाएं जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बना करके ले रहे हैं आ, तो आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाएं विद्यार्थियों आज हम आ, में जो है कुछ एक छोटी सी एक समस्या बार बार विद्यार्थी ये कह रहे थे संख्यावाची शब्दों को लेकर के तो उसके बारे में हम बात करेंगे तो देखिएगा हमारा जो बिंदु है वो ये है कि संख्या शब्द रूप जो हैं संख्याओं के भी क्या शब्द रूप चलते हैं क्या संख्याओं में भी क्या लिंग और वचन के अनुसार रूपांतरण होता है क्या तो ये ध्यान रखना ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन आप यदि रीट परीक्षा दे रहे हैं तो पक्का यहां से एक प्रश्न आने वाला है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए भी यहां से कुछ मिलने वाला है हालांकि मैं ये जो कक्षा है इसका स्तर जो है वो सामान्य कक्षा ये लेने वाला हूं साथियों ये आ, हमें ध्यान रखना है कि जिसको हम देखिए संख्याएं जो है उसका जब हम उच्चारण करते हैं तब हम नपुंसक लिंग में बोलते हैं एकम द्वि त्रि चतवारी पंच षट सप्त अष्ट नव और दश इस प्रकार से फिर संख्यावाची शब्द रूप जो है मैं आपको शब्द जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं दो व्याख्यान मैंने लिए थे यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उस, उसको आप जो है अवश्य देखें ताकि ये संख्यावाची जो शब्दों का जो भी आपका विश्लेषण जो हो सकता है मैंने बहुत भली भांति वहां पर किया है तो आइए आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो एक है एक द्वि त्रि और चतुर ये मूल रूप है इसके हम जब हमें जब संख्या कोई सुनाने को कहे तो एक द्वि त्रि चतुर नहीं कहना है एकम द्वि त्रि एकम द्वि त्रीन चतारी पंच षट सप्त अष्ट नव दश इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है यह आपको ध्यान रखना है तो साथियों इसके अंदर क्या है कि एक द्वि त्रि तथा चतुर इन संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और अलग अलग चलते हैं यही महत्वपूर्ण बात थी कुछ विद्यार्थी इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे तो मुझे लगा कि एक संक्षिप्त संदेश के माध्यम से मैं चीज आपको क्लियर कर दूं तो यहां पर देखिए तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं यहां पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि एक जो शब्द है उसका रूप केवल एक वचन में ही चलता है सातों विभक्तियों में सातों विभक्तियों में क्योंकि इसका संबोधन नहीं होता है द्वि जो शब्द है उसका रूप केवल द्विवचन में चलेगा और त्रि और चतुर जो है, इसका ये त्रि और चतुर ये जो दो शब्द हैं इसके रूप जो है वो सदैव बहुवचन में चलते हैं यहां से आपकी आधारशिला हो गई है वापस में बोल देता हूं एक द्वि त्रि और चतुर संख्याओं में एक से लेकर के चार तक जो संख्याएं जो हैं वो लिंग के अनुसार रूपांतरित होती है पांच से लेकर के अर्थात पंच षट सप्त से लेकर के आगे जितनी भी संख्याएं हैं उसमें लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यह आप ध्यान रखना यही इस कक्षा का एक महत्वपूर्ण संदेश है तो आइए साथियों ये किस प्रकार से होता है देखो यदि मैं एक शब्द की बात करूं तो एक शब्द जो है एक जो संख्या है उसके तीनों लिंगों में रूप किस प्रकार से चलेंगे यह आपको ध्यान रखना है देखिए इधर में पुलिंग लिख रहा हूं और इधर जो है वो स्त्रीलिंग लिखेंगे और इधर जो है वो नपुंसक लिखेंगे देखिए क्या होता है यहां पर मेरे पास संख्या है एक तो एक के रूप यहां पर कैसे चलेंगे यहां पर देखिएगा एक जो है वो पुलिंग में क्या बनता है एक बनता है एक जो है वो स्त्रीलिंग में क्या बनता है तो एका बनता है और नपुंसक लिंग में क्या बनता है तो एकम बनता है ये बात बहुत सामान्य सीख है सभी विद्यार्थी जानते होंगे लेकिन इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे ये मैं बताने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान ये होने वाला है ये ध्यान रखिएगा दूसरा यदि मैं आपसे कहूं कि ये जो एक उसके बाद में हमने लिया द्वि द्वि जो है वो पुलिंग में क्या बनता है कि द्व बनता है पुलिंग में में बनेगा 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 क्या और नपुंसक में क्या बनेगा द्वे बनेगा अब यहां पर त्री की यदि हम बात करें तो ये जो त्री जो है उसका पुलिंग में बनता है त्रय स्त्रीलिंग में बनेगा तिश्र ये तिश्र है इसको कुछ लोग तिस तरह बोलते हैं और लिखते हैं ये गलत है स में यहां पर रह और ये जो है यहां पर क्या बनेगा बनेगा अब यहां पर देखिएगा हलंत होता है तो पुलिंग में क्या बनता है कि चतवार स्त्रीलिंग में क्या बनेगा ये च लिखिएगा ये त लिखिएगा और स में इस प्रकार से र रतस चतस इस प्रकार से चलने वाला है और नपुंसक में क्या बनेगा कि चतवारी जब हम सामान्य जब बोलते हैं तब एक सूत्र है सामान्य अर्थात सामान्य जब हमें कथन करना होता है तब हम संख्याओं को कैसे बोलते हैं एकम द्वे पंच षट सप्त आगे आपको ध्यान रखना है कि एक से लेकर के चार तक की जो संख्याएं हैं वो लिंग के अनुसार रूपांतरित होती है पांच से लेकर के फिर आगे वो लिंग के अनुसार रूपांतरित नहीं होती है किसी एक लिंग में भी हो सकती है जैसे विंशति शब्द जो है वो केवल स्त्रीलिंग में चलता है वो अलग बात है लेकिन विंशति बालिका भवंती तदपि विंशति और पुरुषा भवंती तदपि विंशति पुरुषा इस प्रकार से हमें इसका उपयोग करना चाहिए विद्यार्थियों अब देखिएगा पुलिंग जो है उसमें आपको ध्यान रखना है पुलिंग में चार तक की संख्याओं के रूप क्या है मेरे साथ आप लोग बोलेंगे एक दौ त्रय चतवार एक दौ त्रय स्त्रीलिंग है तो एका द्वे दीस्र चतर संघ है तो एकम द्वे त्रिनी चतवारी तो ये इस तरह से आपको इस बात का ध्यान रखना है अब देखो क्या हो रहा है ना कि यहां से हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह संख्यावाचक विशेषण है तो यदि संख्यावाचक विशेषण पुलिंग का है तो उसका विशेष्य भी पुलिंग का आएगा जैसे मैं कह रहा हूं कि एक बालक खेल रहा है तो क्या करोगे एक बालकती एक बालक क्रीडति एक बालक क्रीडती और यदि बालिका है तो क्या बोलूंगा एक बालिका पठती एक बालिका पठती और नपुंसक है, तो क्या होगा एकम फलम एकम एकम फलम अस्ति एक फल है तो नपुंसक ये फल जो है वो नपुंसक है इसलिए हम ये नहीं कह सकते एक फलम अस्ति ये अशुद्ध हो जाएगा ये वाक्य शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है आपको ध्यान रखना है इसी प्रकार से यहां पर दो है तो बालक का द्विवचन क्या होता है बालकौ तो द्व के साथ में सदैव किसका प्रयोग करना चाहिए द्व बालक बालकौ, द्वाव बालकौ। द्व बालक अब यहां पर मैंने कहा कि दो बालक पढ़ रहे हैं तब क्या बोलोगे द्व बालक पठती नहीं बोलना है क्योंकि पठती पठत द्व बालक और यदि दो बालिका हैं तो क्या होगा द्वे और द्वे के साथ में क्या आएगा बालिका का द्विवचन क्या होगा द्वे बालिके द्वे बालिका हमने कहा दो बालिकाएं हैं संस्कृत अनुवाद कैसे करोगे द्वे बालिके अस्ति नहीं करना स्त क्योंकि अस्थि स्तः द्वे दालिक द्वे बालिके स्तः तो यहां पर क्या प्रयोग करोगे साहब स्त और यहां पर दो बालक पठत दो बालक पढ़ रहे हैं एक बालक पठती एक बालक पढ़ रहा है एक बालिका हंसती एक बालक हंसता है एकम फलम अस्ति एकम भवनम अस्ति एकम गृह अस्ति एकम के साथ में हमेशा नपुंसक शब्द का प्रयोग होगा यह आपको ध्यान रखना है ध्वनि आपको मिलानी चाहिए देखो यहां पर क्या होगा विसर्ग होगा अब आपसे पूछेगा एक हा। यहां पर आपको रिक्त स्थान देगा आगे पठती और ऑप्शन दे देगा बालक बालिका फलम तो आपको क्या भरना है बालक ये बहुत सामान्य एक बात है लेकिन इस बात को लेकर के विद्यार्थी न जाने क्यों संदेह में हो जाते हैं इसलिए मुझे लगा कि ये जो है बहुत आवश्यक हो गया जैसे मैंने कहा दो भवन है तो क्या बोलूंगा द्वे भवने क्योंकि भवनम भवने भवनानि, द्वे भवने और स्तः दो भवन है तो अस्थि स्तः संति आपको ये ध्यान रखना है अब जितने भी पुलिंग जो शब्द होंगे एक शिक्षक अस्थि एक पाठ अस्थि एक नर अस्थ नृप अस्थ ग्राम से आपको ध्यान रखना है एक बालिका अस्था नदी अस्थिर स्त्री अस्ति एक महिला अस्ती वाटिका अस्ति एकम फलम एकम भवनम अस्ति, जितने भी नपुंसक शब्द होंगे एकम फलम अस्ति एकम वस्त्रम अस्ति एकम नयनम अस्ति आपको यह ध्यान रखना है

हरी जो है वो क्या होगा बोलो आ, पुलिंग होगा और मैंने कहा एक शक्ति अस्थि तो एक शक्ति शक्ति स्त्रीलिंग है देखो हरी ही शक्ति ही और वारी इस तरह से आपको ध्यान रखना है तो इसी प्रकार से हमने कहा हमने कहा कि आ, जैसे द्व है तो द्व बालक पठत आग दो शिक्षक आ रहे हैं, तो द्व शिक्षक द्व नर द्व मनुष्य इस प्रकार से द्व गुरु 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 तो गुर गुरु दीर्घ हो जाएगा यह ध्यान रखना है आपको यदि मैं कहूं द्वे नद्य दो नदियां क्योंकि नदी नद्यो नदी नद्यो बालिका बालिक बालिका बालिके बालिका हा, एवं रूपाणी अस्य चलंती तो ध्यातम ध्यानम दातव्यम यदि द्वह अत्र विशेषम अस्ति पुलिंगस्य चेत अस्माकम् विशेषणम अपि यदि अत्र विशेष्य पुलिंग वर्तते चेत विशेषण संख्यावाचक वर्तते तदपि सह अपि पुलिंगे स्यात् एवं ध्यातव्यम जैसे मैंने कहा त्रयः तो त्रय में क्या बोलोगे बोलो त्रय बालका पठंती त्रय बालका हसंती त्रय बालका नृत्य त्रय बाल अः पठीषंती इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है त्रय बालक शिक्षक ये पुलिंग है बहुवचन है तो बालक 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 यहां पर यदि बालिका है तो क्या बोलूंगा बोलो तिस्र बालिका संति यहां पर देखो अस्ति आया यहां पर अस्त यहां पर, पर संति तिस्र बालिका संति तिस्र महिला संति तिस्र नद्य प्रभंति नदी नद्यौ नद्य इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है और त्रीणी फलानी संति फलानी संति तीन फल हैं तो त्रीणी फला त्रीणी संति इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है अब ये चतुर शब्द है चतुर का पुलिंग में क्या बनता है चार तो चार शिक्षका चार शिक्षक पाठयंती ये निजंत प्रयोग है पाठयंती पाठयंती चार शिक्षक पढ़ा रहे हैं चार शिक्षक पाठयती चार शिक्षक पढ़ा रहे हैं चतस चतस्रह नद्यह चतस्रह नार्यह चतस्रह लक्ष्म्यह जितने भी स्त्रिंग चतस्रह शक्तयह तो यहां पर चतस्रह नद्यह प्रवहन्ति आपको यह ध्यान रखना है चत्वारह नद्यह प्रवहन्ति नहीं होगा चत्वारी नद्यह प्रवहन्ति नहीं होगा इस बॉक्स वाली चीजें इसमें ही रहेगी इस वाली इसमें ही रहेगी मैंने कहा चतारी भवन संति चतरी संति ची नयन संति तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है एक से लेकर के चार तक की जो संख्याएं हैं वो लिंग के अनुसार रूपांतरित होती है उम्मीद है यह विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा विद्यार्थियों हु। एक द्वौ त्र चवर पुलिंग है द्वे तीसरा चतस स्त्रीलिंग है एकम द्वे देखो यहां पर भी द्वे आ रहा है यहां पर भी द्वे आ रहा है तो आप पता कैसे करोगे जो विशेष्य है अब भवन शब्द नपुंसक में हम सब जानते हैं भवन है गृह है फलक शब्द है ये सारे के सारे पुस्तक है द्वे पुस्तका इस्ते। और द्वे, मैंने कहा कि नारी है तो नारी नार्य नार्य नदी नद्यौ नद्य इस तरह से आपको ध्यान रखना है तो द्वे नार्य द्व नार्य दो नार्य है तीसरा तीसरा शिक्षिका संति तिश्रिका बोलोगे गलत हो जाएगा वाक्य शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है इसको आप एक बार स्क्रीन शॉट लीजिएगा यह बहुत काम की चीज है विद्यार्थियों इसके आगे हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनके रूप जो है मैंने आपको कहा कि एक शब्द जो है उसके रूप सदैव एक वचन में चलते हैं दो के सदैव द्विवचन में चलते हैं त्री और के जो रूप है वह बहुवचन में चलते हैं सदैव तो एक बार यह आरंभिक चीज हो गई अब यहां पर मैं आगे चलता हूं देखिएगा यहां पर देखिएगा जैसे मैंने कहा एक शब्द है अब एक शब्द के सातों विभक्तियों में रूप एक शब्द के तीनों लिंगों में रूप एक शब्द के सातों विभक्तियों और तीनों लिंगों में रूप कैसे चलेंगे तीनों लिंगों में रूप तीनों लिंगों में रूप कैसे चलेंगे देखो थोड़ा जो है हम फास्ट बढ़ रहे हैं यहां पर देखिएगा प्रथमा विभक्ति है यह द्वितीय विभक्ति है यह तृतीय विभक्ति है यह चतुर्थी है ये पंचमी है ये षष्ठी है और यह सप्तमी है बहुत महत्वपूर्ण चीज है बहुत ध्यान से आपको सुनना है इधर मैं पुलिंग लिखूंगा तो पुलिंग में क्या आएगा बोलो एकह स्टलिंग में सॉरी और द्वितीय में क्या आएगा एकम यहां पर क्या आएगा एकेन यहां पर क्या आएगा एकस्मी यहां पर क्या आएगा एकस्मात एकस्मात यहां पर क्या आएगा एकस्मिन एकस्मिन और एकस्ती रह गई है एकस्य यहां पर देखिएगा यहां पर क्या होगा एकस्य और यहां पर क्या होगा एकस्मिन अब ये जो एक शब्द जो है उसके पुलिंग में सातों विभक्तियों में रूप एक वचन में ही चलेंगे आप इसका उपयोग कैसे करोगे यह हमें सीखना है आगे की कक्षा जो होगी उसमें मैं जो है कभी आपको प्रश्नोत्तर कराऊंगा कि किस प्रकार से आता है देखो जैसे अब यहां पर आपको क्या करना है एक बालक एक बालकह पठती एक बालक पढ़ता है तो यहां पर यह पूरा का पूरा वाक्य जो है वो प्रथमा में है अब मैंने कहा एकम शिक्षकम एकम शिक्षकम एकम एकम शिक्षकम आहवयतु एकम शिक्षकम आहवयतु आहव आहवयतु एक शिक्षक को बुलाओ आहवयतु एकम शिक्षकम आहवयतु एक शिक्षक को बुलाओ तो एकम यहां आया तो शिक्षकम लेकिन आपको ध्यान रखना है ये एकम नपुंसक नहीं है ये एक शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है मैंने कहा एकेन बालकेन एकेन बालकेन पुस्तकम पठितम एक बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई ये कर्म वाच्य है साहब एकेन बालकेन तो एकेन के साथ में बालकेन शब्द का प्रयोग करना है यही महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना है मैंने कहा कि मैं एक बालक के लिए फल लाया हूं तो क्या होगा एक स्मयी एक एकस्मयी बालकाय बालकाय पुस्तकम ददातु एक बालक के लिए पुस्तक दो ददातु एक एकस्म बालकाय पुस्तकम एकेन बालकेन पुस्तकम पठितम एक बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई एकम शिक्षकम एक शिक्षक को बुलाओ एक बालक पठती एक बालक पढ़ रहा है मैंने कहा एक बाल कात मिलित्वा आज गच्छामी तो एकमात के साथ में क्या होगा एकस्मात बाल कात एक बालक से मिलित्वा आगच्छामि मिलकर के आया हूं एकस्मात, बालका, मिलित्वा मैंने बालका एकस्य बालकस्य पिता या आगच्छति या आगतवान पिता आगतवान एक बालक के पिता आए थे एकस्य बालकस्य समझाना क्या चाह रहा हूं कि स के साथ में एकस्य बालकस्य ऐसे नहीं कह सकते एक बालकस्य पिता आगतवान यह गलत हो जाएगा ये वाक्य जो है किस प्रकार से हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण बात है मैंने कहा एक बालक में बुद्धि है तो एक बाल के ये सप्तमी विभक्ति है यह विशेषण है तो इसका विशेष जो होगा उसका प्रयोग भी हमें सप्तमी में करना है एकस्मिन बाल के बुद्धि रस्ती एक बालक में बुद्धि है बुद्धि रस्ती एक बालक में बुद्धि है विद्यार्थियों इसका स्क्रीन शोट लीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात है एक शब्द के तीनों लिंगों में रूप यहां पर हमने क्या पढ़ा है यह पुलिंग वाले जो रूप है वो किस प्रकार से चलते हैं प्रयोग आप किस प्रकार से करोगे अब मैंने यहां पर बालक लिखा है शिक्षक लिखा है उसकी जगह आप अध्यापक लिख सकते हो कृषक लिख सकते हो तमाम वह चीजें जो पुलिंग की होगी यदि इधर एकस्मात आ रहा है तो इधर पंचमी विभक्ति ही आएगी क्योंकि यह विशेषण है यह इनके विशेष्य है क्रिया का प्रयोग आपको किस रूप से करना है यह आपको मैंने आगे समझा दिया है कभी और अनुवाद को लेकर के जो है हम बात करेंगे तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है आगे चलता हूं देखो यह पुलिंग वाली बात हो गई अब यहां पर एक शब्द का स्ट्रेलिंग क्या होगा तो एका शब्द जो है एक शब्द जो है ऐसे लिख लो अभी एका जो शब्द है एक शब्द का एक शब्द का स्त्रीलिंग रूप एक शब्द के स्त्रीलिंग रूप सातों विभक्तियों में स्त्रीलिंग रूप कैसे चलेगा देखो और प्रयोग कैसे करेंगे बहुत सीधी सीधी बात है है कि जैसे हमने कहा प्रथमा द्वितीय होगी यह तृतीय होगी यह चतुर्थी यह पंचमी यह षष्ठी और यह सप्तमी देखो यहां पर क्या होगा बोलो एका यहां पर क्या होगा एकाम लता की भांति रूप चलेंगे यहां पर क्या होगा एकया यहां पर क्या होगा एकस सही देखो वहां पर एकस मई हुआ था इधर सही है इधर लतायाहा तो एक हा और इधर सस्ती में भी हा और लतायाम तो यहां पर क्या होगा एकस्याम श्याम तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये रूप जो है वो इस प्रकार से चलने वाले हैं चलिए अभ्यर्थियों अब इसका प्रयोग हम किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग हम कैसे करते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं यह ध्यान रखिएगा मैंने कहा एक महिला एक महिला एका महिला गायती एक महिला गा रही है तो एक महिला गायती एक महिलाम दृष्टवान एक महिला को देखा एक महिलाम दृष्टवान अहम दृष्टवान अहम एकाम महिलाम दृष्टवान अहम में एकाम एक महिला महिला को दृष्टवान देखा तो एकाम महिलाम दृष्टवान इसी प्रकार से मैंने कहा एक या एक बालिका के द्वारा फलम त्रोटितम एक बालिका के द्वारा फल तोड़ लिया गया त्रोटितम तो त्रोटितम एक या फलम त्रोटितम कर्मवाची है तो एकया के साथ में बालिकया का प्रयोग होना चाहिए एक बालिका यही बालिका एक बालिका के लिए ये है तो यहां पर बालिका, बालिका दुग्धम एक बालक के लिए तुम दुग्ध दो देही।, देही क्या है दाद धातु के रूप है लोट लकार में ददातु दत्ताम ददतु दत्तम दत्त ददानी ददाव ददाम तो ही बालिका यही दुग्धम देई और मैंने कहा एक यहा एक बालिका से मिलित्वा आग्छा मिलकर के आया हूँ एक यहा एक बालिका का यहा बालिकाया हा, बालिका हा अस्ति ये जो बेग है एशो हा, एशो हा ये एकस्या शूतः एक बालिकाया अस्ति एक बालिका का है संबंध में यहाँ पर एकस्य आया है तो यहाँ पर बालिकाया शब्द का प्रयोग होना चाहिए और एकस्याम बालिकायाम बालिकाया अस्ति एकम बालिकायाम जानम अस्ति एक बालिका में जान है तो जानम अस्ति किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है यह आपको समझ में आना चाहिए जो शब्द जिस विभक्ति का है उसका विशेष भी उसी विभक्ति का आना चाहिए संस्कृत की यही बड़ी बात है तो इस प्रकार आगे देखिएगा अब ये एक हो गया अब नपुंसक में क्या होगा साहब नपुंसक में देखो क्या होगा ये देखिएगा। यहां पर यदि नपुंसक होगा तो नपुंसक में क्या होगा पुलिंग में केवल यहां पर एक परिवर्तन होगा एकम।, एकम 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 फिर एकेन, एकेन फिर वो सेम ही चलेगा पुलिंग की तरह एकस्ये, एकस्ये, एकस्या, एकस्या, एकस्य ही एकस्मा और एकस्य और एकस्मिन अब इसका प्रयोग जो है आप ये कर सकते हो देखो एकम भवनम अस्ति एकम भवनम अस्ति एकम, एकम, एकम मित्रम अस्ति सॉरी एकम मित्रम आह एक मित्र को बुलाओ क्योंकि ये द्विवचन का प्रयोग है नपुंसक में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में समान रूप होता है एकेन मित्रेण एकस्म मित्राय एकस्मात् मित्रात एकस्य मित्रस्य एकस्मिन मित्रे। इस प्रकार से आपको इसका रूप चलाना है तो ये इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा अब देखो द्व जो शब्द है उसका प्रयोग सदैव किसमें होता है कि द्विवचन में होता है द्व शब्द का प्रयोग सदैव द्विवचन में होता है ये ध्यान रखिएगा अब द्व शब्द जो है उसका मूल तो द्वि था यहां पर पुलिंग का पहले लिख रहा हूं ये द्व है द्व है फिर द्वाभ्याम होगा द्व द्वा द्वाभ्याम 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 ये होगा द्वयो हो और ये होगा द्वयो हो विद्यार्थियों ये देखो प्रथमा है ये द्वितीय है ये तृतीय है ये चतुर्थी है ये पंचमी है ये षष्ठी है और ये सप्तमी है प्रयोग कैसे से करोगे मैं बता चुका हूं द्वौ बालकौ अस्ति सॉरी द्वौ बालकौ स्त द्वौ बालकौ हसत द्वौ बालकौ पथत द्विवचन जो उसका रूप होगा क्या नाम द्वितीय व्यक्ति का जो होगा उसमें भी द्वौ शब्द होगा तो बाल द्व� बालकान द्वा 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 वहां भी होगा लेकिन कर्म का प्रयोग होगा द्वाभ्याम बालकाभ्याम ध्यान रखो द्वाभ्याम बालकाभ्याम द्वाभ्याम बालकाभ्याम द्वाभ्याम बालकाभ्याम द्वयो हो बालकयो द्वयो हो बालकयो हो षष्ठी है और द्वयो हो बालकयो सप्तमी है समान है अर्थ के अनुसार आपको पहचानना होगा यह ध्यान रखना यह वाले रूप पुलिंग के थे स्त्रीलिंग में और नपुंसक में समान चलते हैं द्वे द्वे फिर और फिर द्वा भ्याम, द्वा भ्याम, फिर द्वयो हो और फिर द्वयो हो देखो आपको ध्यान क्या रखना है यह यहां पर समान रूप चल रहे हैं केवल यह दोनों में समान होते हैं किस में पुलिंग में स्त्रीलिंग में और नपुंसक में स्त्रीलिंग में और नपुंसक दोनों में समान होते हैं ये आपको ध्यान रखना है द्वे फले बालिके एक समान होता है तो यह प्रथमा थी यह द्वितीय थी यहां पर फिर तृतीय से लेकर के सप्तमी तक जैसा पुलिंग में चलता है वैसा स्त्रीलिंग में चलता है आपको इस प्रकार से इसका प्रयोग करना है विद्यार्थियों आगे जो है हम बात करते हैं देखिएगा यह शब्द था और शब्द जो है इस शब्द का पुलिंग में क्या बनता है तो त्रय महत्वपूर्ण चीज है बाल तो ग्रय रूप बनेगा और उसके बाद में क्या बनेगा द्वितीय में क्या बनेगा त्रीन बालकान यहां पर क्या बनेगा जो है त्रीन और यहां पर बनेगा त्रिभि ही ऐसे रूप बनेगा तो ये प्रथमा है ये द्वितीय है ये तृतीय है त्रय त्रीन त्रिभी चतुर्थी में क्या बनेगा त्रिभ्य पंचमी में क्या बनेगा त्रिभ्य क्योंकि यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि त्रि जो शब्द है उसके रूप केवल और केवल किस में चलेंगे बहुवचन में चलेंगे यह आपको ध्यान रखना है और यहां पर षष्ठी में क्या होगा त्रयाणाम और सप्तमी में सप्तमी में जो है वो क्या होगा त्रिशु अब आपको उसका प्रयोग कैसे करना है त्रय बालक गचंती त्रीन बालकान अवश्य तीन बालकों को देखा था त्रिभी बाल कई ही पुस्तकम पठितम तीन बालकों के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई त्रिभ्य कृतम तो इस तरह से त्रिभ्य त्रयाणाम बाल का नाम और त्रिशु बालकेशु आपको अपने आप ये विशेष जोड़ने हैं फिर ये त्रि जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है तीस्रह रूप क्या चलता है बोलो तिश्र इस तरह से रूप चलेगा तिश्र और ये प्रथमा है द्वितीय में भी क्या होगा तीसरा तृतीय जो होगी उसमें होगा तीसरी इस प्रकार से होगा तीसरी चतुर्थी जो होगा उसमें होगा तीसरी भय तीसरी भय पंचमी में तीसरी भय यहां पर क्या होगा षष्टी में होगा तिस्री नाम देखो ये महत्वपूर्ण कर लेना तिस्री नाम और यहां पर क्या होगा श्री शु तीसरी शु तीसरी शु इस प्रकार से ये रूप चलेगा आपको ध्यान रखना है नपुंसक जो होगा उसमें क्या चलेगा त्रिणी फिर यहां पर आएगा फिर आगे त्रिभ्य त्रयाणाम त्रे और त्रिशु इस प्रकार से ये रूप चलने वाले हैं आपको ऐसे ध्यान रखना है अब मैंने कहा इसका प्रयोग कैसे करना है तो मैंने आपको प्रयोग बता दिए हैं आप अपने आप इसका अभ्यास कर लें रूप इसके इस प्रकार से चलते हैं आइए आगे चलते हैं और बात करेंगे हम चतवार शब्द जो है चतुर जो शब्द है उसका पुलिंग में रूप कैसे चलता है यह रहा पुलिंग ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसक तो आप सभी को मैंने अभी बताया कि चतवार बनता है चारह चालक पठंती चार बालक जो हैं वो पढ़ रहे हैं तो चतवार फिर द्वितीय विभक्ति जो है उसमें बनता है चतुरह तृतीय में बनेगा चतुर्भि चतुर्भि चतुर्थी में बनेगा चतुर्भ्य चतुर्भ्य पंचमी में बनेगा चतुर्भ्य 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 इस प्रकार से होगा चतुर्भ्य और यह महत्वपूर्ण है चतुर्नाम यहां पर डबल न आता है द्वित्व हो जाता है चतुर्नाम और यहां पर क्या होगा चतुर्शु अब आपको ध्यान क्या रखना है चार बालकों में बुद्धि है तो चतुर्सु बालकेशु चार बालकों में कौन सा बालक है तो चतुर्शु बालकेशु इस प्रकार से प्रयोग करना है चतुर्ना बालका नाम चतुर्भ्य चतुर और चत्वारह बालका स्त्रीलिंग में क्या बनेगा साहब तो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए ये बन रूप बनता है महत्वपूर्ण करना है इसको चत स्त्रीलिंग में द्वितीय में भी चत बनता है तृतीय जो है उसका क्या बनेगा भी ही चतुर्थी में क्या बनेगा चत चत्रिभ्यः ची पंचमी में भी यही बनेगा ष्टी में क्या बनेगा चीनाम यहां पर री जो है वो हरस्व होता है पितृनाम में पितृणाम दीर्घ री होता है लेकिन चत श्री नाम शब्द बनता है और यहां पर क्या बनेगा जो है चतृशु चत चीशु चीशु चत श्रीशु इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे चतस बालिका चतस बालिका चतस्री बालिका भी चतृ्य चतृकाभ्य इस प्रकार से रूप चलना है चतस्री नाम बालिका नाम चतसु बालिकासु इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे नपुंसक जो है उसमें कैसे रूप चलेंगे चवारी इधर भी चवारी और आगे जो है यहां से लेकर के यहां तक जो है वो किसके अनुसार चलते हैं पुलिंग के अनुसार चलते हैं तो ये एक संक्षिप्त सत्र था और इसके माध्यम से मुझे आपको बहुत कुछ बताना था मैं जानता हूं कि थोड़ा सा बहुत फास्ट हो गया है लेकिन कोई मजबूरी है जिसके कारण मुझे जो है आगे जाना है विद्यार्थियों ये आपके कितना काम आएगा आप इसको एक दो बार तीन बार देखें जहां पर आपको समझ में नहीं आए वो कमेंट करके पूछें आपको यहां ये ध्यान रखना है विशेष बात जो इसके अंदर थी वह यही थी कि ये देखिएगा आप कि यहां से हमने शुरू किया कि संख्यावाची जो शब्द होते हैं उसमें एक द्वि त्रि और चतुर यहां तक लिंग होता है उसके बाद में पंच जो शब्द आता है पंच बालका गच्छन्ति पंच बालिका गच्छन्ति पंच नार्यः गच्छन्ति पंच शिक्षिका पाठयती पठन्ति हसन्ति गच्छन्ति लिखन्ति कुछ भी आप करो तो पंच का रूप कैसे चलेगा यह आपको ध्यान रखना चाहिए पंच 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 भी पंचभ्य पंचभ्य नाम और पंचसु सबके रूप एक जमान चलेंगे पांच से लेकर के आगे कहीं भी लिंग नहीं आता है यह ध्यान रखना एक से लेकर के चार तक की जो संख्याएं थी वो लिंग के अनुसार थी यहां पर ये ये जो सत्र जो था ये बहुत महत्वपूर्ण था रीट जो है कई बार यहीं तक हार जाती है आगे जाती नहीं है लेकिन आपको कई बार यह पूछा गया है एकेन तो एकेन शब्द जो आएगा वो किस प्रकार से आप प्रयोग करोगे तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए यदि इधर एकेन है तो इधर बालकेन आएगा एकस्म ही है तो बालका एकस्मात है तो बालका एकस्य है तो बालकस्यस्मिन है तो बालके ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है फिर उसके बाद में एका महिला तो एक महिला गायती ये गलत हो जाएगा ध्यान रखना एकम महिला गायती ये भी गलत हो जाएगा विशेष जिस लिंग का है वही लिंग जो है उस संख्या में होना चाहिए एक से लगा करके चार तक उसके बाद में हमने ये पुलिंग के रूप जाने थे एका एकाम एकया एकस, एकया एकस स्त्रीलिंग के जाने थे एका एकाम एकया एकस्य एकस्या, एकस्या एकस्या और एक और इसी प्रकार से फिर आगे जो है दो शब्द के रूप हमने सीखे द्व द्व यहां पर केवल ध्यान रखना है कि ये द्वे द्वे जो है वो नपुंसक में भी इसी तरह से चलता है और स्त्रीलिंग में भी ऐसे चलता है यहां पर पुलिंग जो है उसमें द्वाउ द्वाऊ चलता है बाकी यहां से लेकर के यहां तक तीनों लिंगों में समान है यह आपको समझ में आ गया होगा आगे जो था त्रय ये सब अलग अलग है ये ध्यान रखना यहां पर त्रय है ये तीन महत्वपूर्ण है तीन बालकान तीन बालकान ये द्वितीय व्यक्ति है तीन महत्वपूर्ण है शब्द रूप और धातु रूप आपके पाठ्यक्रम में पूछे जा सकते हैं त्रिभी त्रिभ्य त्रिभ्य त्रयाणाम त्रिशु यहां पर तीसर तीसरा, तीसरी भी तीसरीभ्य तीसरी नाम तीसरी शु त्रिणी त्रिणी ये दो नपुंसक जो हैं उसमें ये दो ही जो हैं वो अलग होंगे बाकी यहां से लेकर के यहां तक जो है नपुंसक और पुलिंग में समान होते हैं तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक उसके बाद में यहां पर हमने जाना था चतुर जो शब्द है वो चतवार चतुर महत्वपूर्ण है चतुर आपसे पूछा जा सकता है चतवार चतुर शब्द का पुलिंग जो है उसका द्विवचन द्वितीय भक्ति का बहुवचन क्या होगा तो चतुरा होगा ये आपको ध्यान रखना है लेकिन यहां पर चतसरा होगा हो स्त्रीलिंग में और नपुंसक में चतवारी होगा तो चतवाराह चतुरह चतुर्भि चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्नाम चतुर और चतुर्षु इस प्रकार से ये रूप चलते हैं और उम्मीद है यहां से आपने बहुत कुछ सीखा होगा अभ्यास कीजिएगा मैंने आपको केवल और केवल हिंट दिया है क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्ते धन्यवाद